भाइयों 2020 हर तरीके से सभी कंट्रीज के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत अनबैलेंस रहा है। बहुत सी चीजें हुई हैं इस साल और बहुत सी इंडस्ट्रीज पर इस पूरे साल का कुछ गलत असर भी पड़ा है। बात की जाए एनिमे इंडस्ट्री की तो जंप फेस्टा इस बार ऑनलाइन ही हो रहा है बिकॉज ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक। तो हर साल जंप फेस्टा में हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग एनिमे के ट्रेलर्स, पोस्टर्स, न्यूज वगैरह, कोई नया सीजन आने वाला हो, हर तरह की न्यूज हमें जंप फेस्टा में दी जाती है। तो उसी तरह ड्रैगन बॉल सुपर की तरफ से न्यूज ये आ रही है कि DBS लौट आया है, ड्रैगन बॉल सुपर वापस आ चुका है। टोई एनिमेशन ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स फरवरी 2021 से BS फ्यूजी टीवी पर टेलीकास्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाइयों, ड्रैगन बॉल सुपर के नए एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं। टोई एनिमेशन वाले ड्रैगन बॉल सुपर को फिर से दिखाने वाले हैं, फिर से टेलीकास्ट करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एपिसोड 1 बैटल ऑफ गॉड्स वाला टू द लास्ट एपिसोड ऑफ टूर्नामेंट ऑफ पावर एपिसोड 131। ड्रैगन बॉल सुपर जंप फेस्टा स्पेशल PV में तात्सुया नागामिने ने अपने इंटरव्यू के आखिर में कहा कि ड्रैगन बॉल सुपर विल स्टार्ट री एयरिंग ऑन BS फ्यूजी फ्रॉम फरवरी 2021। अब देखो यार भाइयों, मैं जानता हूँ ये काफी सैड न्यूज है, हम में से किसी को भी ये चीज सुन के अच्छी नहीं लगी होगी कि ड्रैगन बॉल सुपर के नए एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं बल्कि पुराने वाले एपिसोड्स ही रीटेलीकास्ट हो रहे हैं। और हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें आने वाले नए एपिसोड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एटलीस्ट मुझे इतनी तो उम्मीद थी कि जो आने वाली जो नई मूवी है उसके बारे में शायद हमें कोई डिटेल मिले, लेकिन फिलहाल जंप फेस्टा में हमें यही अनाउंस कर दिया गया है कि जो पुराने एपिसोड्स थे वही रीटेलीकास्ट होंगे और नई जो आर्क है ड्रैगन बॉल ग्रैनुला द आर्क जो नई आने वाली है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सिर्फ। ड्रैगन बॉल सुपर लौट रहा है लेकिन उस तरह नहीं जैसे हम सब फैंस ने एक्सपेक्ट किया था कि 2021 में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, नहीं एनिमे के बारे में बताया जाएगा, सालों का इंतजार खत्म होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाइयों ऐसा कुछ भी फिलहाल नहीं हुआ जो कि बहुत से फैंस को उदास कर देगा। लेकिन वहीं अगर हम चीजों को समझें तो कहीं ना कहीं हम इस चीज के लिए पहले से ही रेडी थे भाइयों। जो भी हालात हैं पूरी दुनिया के, जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबके लिए बराबर है। हम भी उसी कश्ती पर सवार है जिस पर पूरी दुनिया सवार है। इन सभी हालातों का हर इंडस्ट्री पर एक असर पड़ा है और एनिमे इंडस्ट्री पर भी 2020 साल ने एक इम्पैक्ट डाला है भाइयों। साथ ही साथ टू एनिमेशन इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करती जा रही है भाइयों। जो एनिमेटर्स, टीम्स, वॉइस एक्टर्स ड्रैगन बॉल सुपर पर काम करते थे, ड्रैगन बॉल सुपर के पीछे जो भी काम होता था वो सारी की सारी टीम, वो सब लोग भी दोस्तों और भी प्रोजेक्ट्स पर बिजी हैं। डिजिमॉन अभी चल रहा है टोई एनिमेशन का, वन पीस चल रहा है जो कि मेरा फेवरेट एनिमे बन चुका है। तो ड्रैगन बॉल सुपर के फैंस को कुछ ना देने से अच्छा टोई एनिमेशन वापस से रीटेलीकास्ट करेगा ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स, जो कि इतना भी बुरा नहीं है भाइयों। और मेरे ख्याल से तो यार ऐसा सोच समझ के ही किया गया है क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर के जस्ट बाद ब्रॉली मूवी आती है, फिर गैलेक्टिक पेट्रोल आर्क, फिर मोरो आर्क और अब हम जा रहे हैं एक नई आर्क की ओर, एक नई ब्रांड न्यू कहानी की ओर जिसका नाम है ग्रैनुला द सर्वाइवर आर्क। तो शायद से भाइयों पूरा ड्रैगन बॉल सुपर रीटेलीकास्ट करने के बाद टोई एनिमेशन की तरफ से हमें एक्चुअल में एक अच्छी खासी न्यूज मिले फॉर द फ्यूचर ऑफ ड्रैगन बॉल सुपर और 2022 तक शायद DBS की न्यू मूवी भी आ जाए। तो रीटेलीकास्ट खत्म होते ही सब फैंस वापस याद कर लेंगे कि क्या क्या कहानी में हुआ था, कैसे हम लोग शुरुआत से गोकू का इंट्रोडक्शन हुआ था बीरस से और कैसे गोकू ने लास्ट एपिसोड में बीरस को हैरान कर दिया था मास्टर अल्ट्रा का इस्तेमाल करके। एंड शायद इस पूरे रीटेलीकास्ट के बाद एक न्यू एनिमे स्टार्ट होगा। बट एनीवेज भाइयों, फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं क्या होगा। जंप फेस्टा से जो हमारी उम्मीदें थी ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर को लेके, वो फिलहाल तो यार हमें खुश नहीं कर पाई। और हम सब फैंस हैं तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और समझना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं, हम आराम से वेट करेंगे, इस पेंडेमिक से एक साथ बाहर आएंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। ऐसा ड्रैगन बॉल यूट्यूबर मैं आप सबसे यही कहूंगा भाइयों कि ये न्यूज सैड तो है लेकिन आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, सिचुएशंस को साथ में समझते हैं एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ ड्रैगन बॉल सुपर। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आप सबको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।